Hello friends, welcome to the new session of Smita classes. Today we will be dealing with the fourth chapter of Startup Science of Standard 5. The fourth chapter of Startup Science book of Standard 5, and the name of the chapter is Our Body. Okay, the name of the chapter is Our Body. You have already studied that our body is composed of cells. There are trillions of cells in a human body. The cells that perform a common function are grouped together to form a tissue. Tissues that carry out the same task form an organ. A group of organs that work together and carry out a function is called an organ system. Different organ systems perform different functions and together make up an organism. ठीक है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि हमारा जो पूरा बॉडी है, हमारा पूरा शरीर है, वो सेल्स से बना हुआ है. हम लोग के बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, ह्यूमन बॉडी में. ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है. ट्रिलियन सेल्स मतलब कितना होता है? 1,00,000,000. 1,00,000,000 सेल, 1,00,000,000,000 सेल मिला के 1 ट्रिलियन बनाते हैं. तो हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है. हाँ, कई ट्रिलियन सेल्स है, कई 1,00,000,000,000 जैसे ऐसे बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है हमारे बॉडी में. और जो सेल एक जैसा काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे जो सेल हम लोग को सांस लेने में, मतलब हमारे सांस लेने वाले सिस्टम में काम कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो वो सब एक जैसा काम करने वाले सेल एक जगह जब ग्रुप होते हैं तो ग्रुप होके क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं. इसी तरह जो टिश्यू सब मिलके सेम काम कर रहा है, सेम टास्क कर रहा है, एक जैसा फंक्शन कर रहा है, वो सारा टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाता है. जैसे हमारा एक ऑर्गन है लंग्स, दो लंग्स है बॉडी में, तो वो एक तरह का सेल्स मिलके जो है वो लंग का टिश्यूज बनाया, और लंग का बहुत सारा टिश्यूज मिलके जो एक तरह का काम कर रहा है, वो सब टिश्यूज मिलके ऑर्गन लंग बनाया. ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर एंड कैरी आउट अ फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम. अब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके, जैसे कि हमारा लंग्स, हार्ट, नोज, ये सब ऑर्गन सब मिलके हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा एक बना दिया. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. अलग अलग जो ऑर्गन सिस्टम है, जैसे हमारे डाइजेशन का, खाना हजम करने का अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन्स है, लिवर है, वो एक ऑर्गन सिस्टम है. उसी तरह सांस लेने के लिए लंग्स है, हार्ट है, नोज है, वो एक ऑर्गन सिस्टम है. अलग अलग ऑर्गन सिस्टम क्या करता है? अलग अलग फंक्शन करता है, अलग अलग काम करता है. तो ऐसे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में बहुत सारे हैं, वो सब मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, मतलब एक पूरे बॉडी को बनाते हैं. आगे पढ़ेंगे. द स्केलेटल सिस्टम. द स्केलेटल सिस्टम इज अ रिच फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट सर्व्स मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस. इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, शेप एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी, प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी. द स्केलेटल सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ द स्कल, बैकबोन, रिब केज एंड लिम्ब्स. Our bones also store minerals such as calcium and phosphorus in them. Besides, some of our bones are involved in producing blood for the body. ठीक है, अब हम लोग पहले पढ़ रहे हैं किसके बारे में? स्केलेटल सिस्टम के बारे में. स्केलेटल सिस्टम क्या है? वो एक रिजिड फ्रेमवर्क है बोन्स का. हमारे बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं, वो हड्डियों का पूरा एक टाइट फ्रेम है. वो रिजिड है क्योंकि टाइट है, आसानी से जो टूट नहीं सकता. तो टाइट फ्रेम है पूरा बना हुआ, हड्डियों का पूरा एक ढांचा है, क्योंकि बहुत सारा इम्पोर्टेंट फंक्शन कर रहा है, बहुत सारा इम्पोर्टेंट काम कर रहा है हमारे बॉडी का. वो क्या कर रहा है? सपोर्ट दे रहा है हमारे बॉडी को, है ना. अगर मान लीजिए हमारा ढांचा नहीं रहेगा तो क्या, बॉडी लुत्फुत होकर इधर उधर गिरता रहता रहेगा. तो एक सपोर्ट दे रहा है, शेप दे रहा है ना, कि हम लोग ह्यूमन बॉडी जैसे दिख रहे हैं. नहीं तो हम लोग गोल गोल दिखेंगे, फूल जैसे दिखेंगे, क्या अजीब अजीब टाइप का शेप आ जाएगा, कुछ भी शेप आ सकता है. तो वो एक शेप दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, बॉडी को एक ताकत दे रहा है ना. मान लीजिए हम लोग मिट्टी का भी कुछ खिलौना बनाते हैं, मिट्टी का कोई एक ह्यूमन फिगर भी बनाते हैं, तो उसके भीतर मिडिल पोर्शन में अगर हम एक लकड़ी का लंबा सा सीक लगा देंगे तो वो थोड़ा सपोर्ट देता है, आसानी से मिट्टी टूट नहीं जाएगा कुछ भी ऐसा चीज बनाने से. तो एक सीक लगाने से जो है वो हमारे बॉडी का ऐसे स्केलेटन सिस्टम जैसा है, क्योंकि हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, सपोर्ट दे रहा है, सहारा दे रहा है, शेप दे रहा है, आकार दे रहा है और ताकत भी दे रहा है. हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को,
जो ऑर्गन्स हमारे अंदर है, हमारे स्किन के मसल्स के नीचे नीचे अंदर अंदर जो ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, ये सबको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, इन सब के ऊपर बोन्स का अगर एक कवरिंग रहता है तो वो बचाता है कि बाहर से अगर हम लोगों को कोई बहुत ही भारी चीज से चोट भी लगी लगे तो अंदर का ऑर्गन डैमेज नहीं होगा। जोर से अगर हम लोग रोड पे मान लीजिए गिर गए तो हमारा हार्ट वगैरह डैमेज नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर बोन्स है। ठीक है, तो बोन्स हमारे इंटरनल ऑर्गन को बचाता है और बॉडी के मूवमेंट में मदद करता है। बॉडी का जो भी पार्ट है, हमको हाथ को हिलाना है, पैर को हिलाना है, मुंह चलाना है बातें करने के लिए, वो सब में बोन्स हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में। हमारे एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी, एक बड़े पूरा मैच्योर्ड ह्यूमन होगा, बड़ा ह्यूमन होगा जो कि 18 इयर्स अबव हो गया है, तो ऐसे ह्यूमन बॉडी में कितना बोन्स रहता है? 206 बोन्स टोटल होता है, 206 हड्डियां होती है। स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या चीज आएगा? स्कल आएगा। स्कल मतलब हमारी खोपड़ी, हेड के अंदर के हमारी खोपड़ी आएगी, बैकबोन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, हमारे पीठ में पीछे एक लंबी सी, मिडिल में एक लंबी हड्डी जा रही है गर्दन से लेके नीचे कमर तक, है ना, बैकबोन। रिब केज, हम लोग के हार्ट और लंग्स के ऊपर जाली के जैसा, एक पिंजरे के जैसा बहुत सारी हड्डियां बनी हुई है दोनों तरफ, तो वो रिब केज कहलाएगा। और लिम्स, हमारे हाथ पैर। तो स्केलेटल सिस्टम में ये सब आ रहा है, खोपड़ी आ रही है, बैकबोन आ रहा है, रिब केज आ रहा है और लिम्स आना है। हमारे बोन्स में कुछ तरह के मिनरल भी स्टोर हो रहे हैं, जैसे क्या, कैल्शियम और फास्फोरस है। उसी तरह बोन्स हमारे बॉडी में ब्लड बनाने में भी, बॉडी में ब्लड प्रोड्यूस करने में भी मदद करते हैं। द स्कल, स्कल इज द स्कल इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड, इट प्रोटेक्ट द ब्रेन। द स्कल कंसिस्ट ऑफ 8 क्रेनियल एंड 14 फेशियल बोन्स, दस मेकिंग अ टोटल ऑफ 22 बोन्स। द क्रेनियल बोन्स मेक अप अ प्रोटेक्टिव फ्रेम अराउंड द ब्रेन। द फेशियल बोन्स मेक द अपर एंड लोअर जॉ एंड अदर फेशियल स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट द लोअर जॉ। ऑल अदर बोन्स इन द स्कल्स आर फिक्स्ड एंड हेंस इमूवेबल। वी आर एबल टू टॉक एंड ईट बिकॉज ऑफ द मूवेबल लोअर जॉ। स्कल जो खोपड़ी है, हा? वो बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड है, हमारे सिर के भीतर का जो हार्ड पार्ट है, हड्डियों का वो चीज है, हड्डियों का ढांचा है हमारे सिर के ऊपर का। ठीक है, वो क्या करता है, हमारे सिर के अंदर कोमल ब्रेन है उसको वो प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है। स्कल में 8 क्रेनियल और 14 फेशियल बोन्स है। ठीक है, क्रेनियल बोन्स क्या है, जो कि ब्रेन के चारों तरफ है। ठीक है, ऊपर की खोपड़ी में है, ब्रेन के चारों तरफ, तो ऐसे 8 बोन्स है ब्रेन के चारों तरफ। और 14 फेशियल बोन है, फेशियल मतलब हमारे चेहरे पे, हमारे चेहरे पे 14 बोन्स है, तो टोटल हमारा 22 बोन्स इस पूरे पार्ट में आएगा। अंदर ब्रेन के चारों तरफ 8 क्रेनियल बोन्स और फेस पे 14 फेशियल बोन्स है, तो टोटल 22 बोन्स है। क्रेनियल बोन्स जो है वो क्या करता है, ब्रेन के चारों ऊपर एक प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क बनाता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और फेशियल बोन्स क्या करता है, अपर और लोअर जॉ बनाता है, ऊपर का जो हमारा दांत का स्ट्रक्चर है, दांत वाला जॉ जो है, और नीचे वाला, वो दोनों को, वो फेशियल बोन हमारे चेहरे पे जो बोन्स है वो बनाता है। और दूसरा दूसरा फेशियल स्ट्रक्चर भी, हमारा नाक और इधर चीक के यहाँ जो बोन्स है, हार्ड लगता है, वो सब फेशियल बोन बनाता है। जो भी हमारे बॉडी में फेशियल और क्रेनियल बोन्स है वो सब फिक्स्ड है, है ना। स्कल में जो भी वो हड्डियां है वो सब फिक्स है, वो इधर उधर हिलती नहीं है, पूरा फिक्स है। ब्रेन के ऊपर की चेहरे में, यहाँ यहाँ नोज के ऊपर, सब फिक्स है। बस कौन सा मूवेबल है, हमारा लोअर जॉ, नीचे का जो दांत का सेट के साथ जो बोन्स जुड़ा हुआ है वो मूवेबल है। ठीक है, तो इसी कारण हम लोग बातें कर पा रहे हैं, ये नीचे वाला ऊपर नीचे हो रहा है, बातें कर पा रहे हैं और हम लोग खाना खा पाते हैं, ये मूवेबल लोअर जॉ के कारण। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। बैकबोन, द बैकबोन इज ऑल्सो नोन एज द वर्टिब्रल कॉलम और द स्पाइन। इट कंसिस्ट ऑफ 33 इररेगुलरली शेप्ड बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्रे। दीज बोन्स मेक अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। द वर्टिब्रल कॉलम अनेबल्स अस टू स्टैंड अप राइट एंड मेंटेन आवर बैलेंस। ठीक है, तो व्हाट डू वी कॉल द एनिमल्स विथ वर्टिब्रल कॉलम, क्या है कि हम लोग उसका आंसर बोलेंगे। पहले इसमें बैकबोन क्या होता है,
बैकबोन जो है हमारे पीठ के मिडिल की जो लंबी हड्डी है, जो कि मेरुदंड कहेंगे या स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे, वो बैकबोन है। वो वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन भी उसको बोलते हैं, ठीक है। कॉलम बोलते हैं क्योंकि लंबाई में है, इसीलिए वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं या स्पाइन बोलते हैं। उसमें कितने बोन्स है? 33 बोन्स है, और कुछ एक ब्रश सब सेम आकार के नहीं है, इरेगुलरली शेप्ड, टेढ़े मेढ़े ऐसे टाइप के हैं, पूरा अच्छे से एक जैसे आकार के नहीं है। और उन बोन्स को, 33 बोन्स को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे बोलते हैं, ठीक है। वो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाता है विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। क्या है कि ये जो वर्टिब्रे है, सब बहुत सारे 33 बोन्स जुड़े हैं एक दूसरे के नीचे, उसके भीतर हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड है, तो उसको वो बचाता है। उसके ऊपर ये बोन का फ्रेमवर्क है, वर्टिब्रे का फ्रेमवर्क है, जो कि अंदर वाले स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है उसका। और हमारा ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो हमारा ये वर्टिब्रे मिलके जो बोन्स का फ्रेमवर्क बना रहा है, वर्टिब्रल कॉलम, उसी कारण हम लोग सीधे खड़े हो पाते हैं, स्टैंड अपराइट, और हमारा बैलेंस बन पाता है, हमारा बैलेंस मेंटेन होता है। अब आ जाते हैं रिब केज। रिब्स आर थिन फ्लैट एंड कर्व बोन्स, दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव केज अराउंड द हार्ट एंड द लंग्स कॉल्ड द रिब केज। रिब केज कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स अरेंज इन 12 पार्ट्स ऑफ रिब्स, पेयर्स ऑफ रिब्स। द रिब्स आर जॉइंट टू द ब्रेस्ट बोन और द स्टर्नम इन द फ्रंट एंड टू द बैक बोन एट द बैक। अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्टिंग द हार्ट एंड द लंग्स, द रिब्स ऑल्सो प्रोटेक्ट पार्ट्स ऑफ द स्टमक, स्प्लीन एंड किडनी। द लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब्स आर स्मॉलर then the rest of the pairs and are only attached to the backbone, they are called floating ribs। इसके पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था ना, what do we call the animals with vertebral column? तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं रिब केज पे। रिब्स जो है वो थीन होते हैं, बहुत ही पतले पतले फ्लैट टाइप के, हाँ पूरा फ्लैट, ऐसे उठे उठे नहीं रहते, फ्लैट फ्लैट, जैसे ऐसे गोल गोल, आधा आधा गोल, जैसे कर्व्ड बोन होते हैं, सर्कुलर टाइप के शेप में कर्व्ड बोन होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारे जो हार्ट और लंग्स के ऊपर ऐसे गोल एक पिंजरे जैसा बनाते हैं, सामने में एक मिडिल में एक लंबा बोन है, उससे ज्वाइन होके पीछे अपने आप को ज्वाइन करते हैं, तो हमारे हार्ट और लंग्स को वो प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम लोग रिब केज बोलेंगे। हाँ, पिंजरा, केज मतलब पिंजरा, उसमें 24 बोन्स से अरेंज इन 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ठीक है। 24 बोन से पेयर है, इधर से एक पेयर गया, उसके नीचे और एक पेयर गया, उसके नीचे और एक पेयर गया, ऐसे करके 12 पेयर्स से इधर 12 और इधर 12, हाँ सब जुड़े हुए हैं, और वो 24 बोन्स कहलाते हैं, टोटल 24 बोन्स है। तो फ्रंट में, हमारे बॉडी के फ्रंट में एक मिडिल में एक मोटा सा बोन है, वो कहलाएगा क्या, ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम कहलाता है। हाँ, तो वो स्टर्नम से सामने से जुड़े हुए हैं, और पीछे जाके किस पे जुड़ रहे हैं, जो बैक बोन है हमारा, उस पे जाके वो जुड़ जा रहे हैं, एक सर्कल जैसा कर करके लास्ट में पीछे भी जुड़ रहे हैं और सामने स्टर्नम में जुड़े हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, ये रिब केज जो है वो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, और इसी तरह थोड़ा यहाँ पे हम लोग के एब्डोमेन के नीचे जो है हार्ट है, लंग्स, उसके नीचे एब्डोमेन है ना, डायफ्राम है, फिर एब्डोमेन है, एब्डोमेन के पास ही हम लोग का स्टमक है, स्टमक के नीचे स्प्लीन है, और साइड में किडनीज है नीचे दोनों साइड में, तो वो सबको भी वो प्रोटेक्ट करता है, स्टमक, स्प्लीन और किडनीज को भी ये रिब केज प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए कई बार क्या होता है, जब एक्सीडेंट होगा तो ये रिब केज, कई बार कोई बहुत जोर से मार देता है हमारे चेस्ट के ऊपर, तो वो रिब केज में फ्रैक्चर हो जाता है, और उसका फ्रैक्चर को प्लास्टर करके भी उसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसको डॉक्टर ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं, वो अपने आप रिब केज का बोन्स जुड़ जाता है, ठीक है। पर उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके भीतर हार्ट है जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या है, 12 पेयर है, लास्ट का जो दो पेयर है, लास्ट का दो पेयर है वो बाकी पेयर से छोटा है, और वो सीधे जाके बैकबोन में अटैच हो रहा है, सामने तो अटैच नहीं हो रहा है, स्टर्नम में, स्टर्नम की तरफ से वो खुला हुआ है, पीछे जाके बैकबोन में अटैच हो रहा है, इसलिए उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग लिम्स।
द ह्यूमन बॉडी हैज टू पेयर्स ऑफ लिम्स, द फोर लिम्स और द आर्म्स एंड द हिंड लिम्स और द लेग्स. द थाई बोन नोन एज फेमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी. लिम्स मतलब हमारे हाथ पैर. तो हम लोग के दो जोड़ी, दो पेयर हाथ है, एक पेयर हाथ है, एक पेयर पैर है. तो लिम्स हमारे टोटल कितने है? दो पेयर है, दो जोड़ियां हैं, एक जोड़ी हाथ, एक जोड़ी पैर. तो ये जो हमारे आर्म्स है, हाँ, ये आर्म्स को क्या कहते हैं? फोर लिम्स कहते हैं. और ये जो हमारे नीचे के पैर है, हाँ, उनको क्या कहेंगे? हम लोग के जो पैर है हमारे वेस्ट से नीचे तक, उनको कहेंगे हिंड लिम्स या लेग्स कहेंगे. ऊपर वाले दोनों को फोर लिम्स कहेंगे और नीचे वाले को हिंड लिम्स कहेंगे. लेग्स को, लेग्स में भी हमारे जो अपर लेग्स है, जहां पे हमारा थाइज है, तो वहां पे एक लंबा बोन होता है, थाई बोन जो होता है उसको कहते हैं फेमर. फेमर ही हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन है. ठीक है, हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन है और सबसे लंबा हड्डी हमारे बॉडी में वही है. तो हिंड लिम्ब फोर लिम्ब समझ गए ना? फोर लिम्ब हमारे हाथ की हड्डियां हैं पूरी और हिंड लिम्ब हमारे पैर की हड्डियां हैं. जॉइंट्स, द प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट और जॉइंट टूगेदर आर कॉल्ड जॉइंट्स. द बोन्स आर हेल्ड टूगेदर जॉइंट्स बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स. मोस्ट ऑफ द बोन्स जॉइंट्स आर मूवेबल एक्सेप्ट द जॉइंट्स इन द टूथ सॉकेट एंड इन द स्कल. देर आर फोर टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स, द हिंज जॉइंट, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, द पाइवट जॉइंट एंड द ग्लाइडिंग जॉइंट. ठीक है, वो प्लेस जहां पे की दो या दो से ज्यादा हड्डियां मिलती है, जैसे यहाँ पे हमारे एल्बो में देखेंगे, ऊपर से एक यहाँ हड्डी है, यहाँ से एक हड्डी, ये दोनों यहाँ पे एल्बो में ज्वाइन कर रही है. इसी तरह हमारे नीज में, घुटनों में भी ज्वाइन कर रही है, ऊपर से फेमर जो है और नीचे की जो लंबी हड्डी है, ये दो ज्वाइन कर रहे हैं. तो जहां पे दो बोन्स ज्वाइन करते हैं वहां पे उस प्लेस को क्या कहते हैं? ज्वाइंट कहते हैं. ठीक है, और ज्वाइंट में बहुत ही स्ट्रांग टिश्यूज होता है जो दोनों बोन्स को पकड़ के रखता है. जैसे हमारे नीज में ऊपर की हड्डी जो है हमारे थाइस के पास से आ रही है और नीचे की हड्डी, दोनों को जोड़ के क्या रख रहा है? जॉइंट्स रख रहा है. वहां पे स्ट्रांग टिश्यूज है, इसको कि लिगामेंट्स कहते हैं. बहुत ही स्ट्रांग टिश्यूज है जो उनको पकड़ के जकड़ के रखता है एक दूसरे के साथ, उसको कहते हैं लिगामेंट्स. ज्यादातर जॉइंट्स हमारा मूवेबल है, हा? हम लोग उसको ऐसे ऐसे करके घुमा सकते हैं जॉइंट्स सब को उस एरिया से. जैसे हम लोग यहाँ पे अपने एल्बो के पास से हाथ को ऐसे से घुमा पा रहे हैं, तो ये हम लोग का मूवेबल जॉइंट होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, मूव करता है. एक्सेप्ट द जॉइंट्स इन द टूथ सॉकेट एंड इन द स्कल. पर हम लोग के जो खोपड़ी में ऊपर के हेड पार्ट का जो जॉइंट है, हा? और टूथ सॉकेट जो हमारे दांत का जो जॉइंट्स है, वो सबको हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं. यानी दो जॉइंट हम लोग मूव नहीं कर सकते, बाकी सब हम लोग मूव कर सकते हैं. हाँ, तो हम लोग के जो है दो जॉइंट जो है वो मूवेबल नहीं है, वो मूव नहीं कर सकते, हम लोग इधर उधर हिला नहीं सकते. जैसे जो कौन सा है? टूथ सॉकेट है हमारे दांत के पास का जॉइंट, और हमारे हेड में जो स्कल है खोपड़ी का जॉइंट्स है, हा? उसको हम लोग नहीं हिला सकते. पर बाकी चार हमारे पास मूवेबल जॉइंट है. पहला है हिंज जॉइंट, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, द पाइवट जॉइंट एंड द ग्लाइडिंग जॉइंट. पहले हिंज जॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. द हिंज जॉइंट, दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली, सिमिलर टू द हिंजेस ऑफ अ डोर. बोन्स इन द एल्बो, नी, टोज एंड फिंगर्स हैव हिंज जॉइंट्स. ठीक है, तो हिंज जॉइंट क्या है? जैसे कि डोर हम लोग जब खोलते हैं, डोर के जो डोर जहां वाल से लगा रहता है, तो डोर की जो चौखट होती है उसके साथ वो जुड़ा रहता है. तो डोर हम लोग कुछ ही डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. दूसरे डायरेक्शन में क्या पूरा पीछे की तरफ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. एक डायरेक्शन में पूरा आगे की तरफ कर पाते हैं. तो ये जो हिंज जॉइंट होता है डोर में, जो जहां डोर वाल से जुड़ता है, हाँ, वहां पे एक तरह का लगा रहता है ना, जो कि डोर को मूव करने में मदद करता है, उसको हिंजेस ऑफ अ डोर कहते हैं. ठीक है, तो हिंज जॉइंट भी, इसीलिए उसका नाम ही पड़ा है हिंज जॉइंट. तो हिंज जॉइंट क्या है? एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करने देगा. जैसे हम लोग का एल्बो है, एल्बो क्या करता है? हम लोग पूरा पीछे ऐसे करके पूरा थोड़ी मूव कर पाते, थोड़ा सा एक डायरेक्शन में हम लोग मूव कर पाते हैं. ठीक है, सारे डायरेक्शन में हम लोग उसको मूव नहीं कर पाते हैं. तो उसी तरह हमारे
नीज है, हमारे घुटने जो है नीज है, नीचे पैर के जो फिंगर्स है टोज है, और हाथ के जो फिंगर्स है, ये सब को, हाथ के फिंगर्स को भी आप पूरा पीछे कर पाएंगे क्या? नहीं, आगे कर लेते हैं, पूरा पीछे नहीं कर पाएंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। तो ये सबको हम लोग हिंज ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इन दिस ज्वाइंट द बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू अ कप लाइक कैविटी सॉकेट ऑफ द अदर बोन। इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट आर ऑफ दिस टाइप। ठीक है, मान लीजिए एक ऐसा होल है और होल में इतना सा जगह है, उसमें जाके एक दूसरा चीज पूरा फिट हो जा रहा है। ठीक है, ये कैविटी है, जो होल है वो कैविटी है, उसमें दूसरा जो है दूसरा बोन से जाके पूरा ऐसे फिट हो जा रहा है कि लगता है इसी बोन के लिए उतना जगह बना हुआ था वहां फिट होने के लिए। इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इन दिस ज्वाइंट बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन, एक बोन का जो एंड है वो पूरा सर्कुलर है, बॉल के जैसा है, और वो दूसरे बोन के कप लाइक कैविटी, हाँ होल जैसा होता है, कप के जैसा, कप में जैसे खाली जगह होता है ना, हाँ तो वैसे ही कप के जैसा एक होल जैसा रहता है जहां पे वो गोल वाला बोन जाके फिट हो जाता है, और उसके कारण जो सारे डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाता है। जैसे कि हमारा शोल्डर से हम लोग ऐसे ऐसे कर करके सारे डायरेक्शन में इसको गोल गोल घुमा लेते हैं ना शोल्डर को अपने, यहाँ पे कंधे सबको, उसी तरह हिप ज्वाइंट जो है, हिप एक्सरसाइजेस जब हमारे टीचर कराते हैं कैसे हम लोग ऐसे ऐसे करके पूरे बॉडी से उसको घुमा लेते हैं, तो हिप ज्वाइंट और शोल्डर ज्वाइंट ऐसा है जो कि सारे डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। अब आगे आते हैं हम लोग पाइवट ज्वाइंट में। पाइवट ज्वाइंट अलाउज रोटेशन ओनली। इन दिस ज्वाइंट द राउंडेड सर्फेस ऑफ वन बोन फिट्स इन टू अ रिंग फॉर्म्ड बाय द अदर बोन। ज्वाइंट बिटवीन द नेक एंड द हेड इज अ पाइवट ज्वाइंट। ठीक है, पाइवट ज्वाइंट क्या है? रोटेशन कराता है, ऐसे ऐसे घुमाता है, जैसे हमारा पृथ्वी अपनी धुरी पे ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहा है ना, डे एंड नाइट जिससे हो रहा है ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहा है, वैसे पाइवट ज्वाइंट से खाली रोटेशन होगा, आगे पीछे नहीं कर पाएंगे, गोल गोल बस घूमेगा, रोटेशन होगा। इसमें क्या है, एक बोन जो है वो राउंड है और दूसरा बोन नीचे से, जैसे हमारी गर्दन की बोन वो उठी हुई है और हमारे हेड का जो गोल बोन है उसमें फिट हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग हेड को क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके रोटेट कर पा रहे हैं। ठीक है, ज्वाइंट बिटवीन द नेक एंड द हेड इज अ पाइवट ज्वाइंट। हमारे गर्दन और हमारे सिर के बीच का यहाँ जो ज्वाइंट है उसको पाइवट ज्वाइंट कहते हैं। तो यहाँ पे एक रिंग बना हुआ है, उसमें हेड का गोल ज्वाइंट फिट हो जाता है, यह है पाइवट ज्वाइंट। द ग्लाइडिंग ज्वाइंट, दिस ज्वाइंट अलाउज द बोन्स टू ग्लाइड ओवर ईच अदर। बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड द एंकल हैव ग्लाइडिंग ज्वाइंट, है ना। ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइड करना माने पूरा स्लिप करते हुए जाना, ग्लाइड करना, तो इससे क्या होता है एक बोन दूसरे पे स्लिप करता है, थोड़ा थोड़ा स्लिप करता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग का जो ये रिस्ट है, कलाई जो है हम लोग की, हाँ ऐसे 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 करते हैं हम लोग, फ्लेक्सीबल है, और हम लोग के एंकल हमारे पैरों की जो एड़िया है, यहाँ पे फीट और हमारा लेग्स ज्वाइंट हो रहा है, हाँ वो जगह, तो ये दोनों जगह पे जो ज्वाइंट है वो ग्लाइडिंग ज्वाइंट, इसीलिए हम लोग हमारे एड़ी के पास से ऐसे गोल गोल घुमा लेते हैं और कलाई को भी ऐसे ऐसे कर पाते हैं। ठीक है, एक जोन दूसरे पे, एक बोन दूसरे पे स्लिप हो रहा है, ग्लाइड कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, द स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियो। ठीक है, ये जो बोन्स का स्टडी है उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बोन्स के स्टडी को हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑस्टियोलॉजी बोल रहे हैं, और ऑस्टियो का मतलब ही बोन्स होता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे है द सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दिस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। द हार्ट इज अ हॉलो कोन शेप्ड मसल लोकेटेड बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम। It is located a little to the left of the middle of our chest and is about the size of our fist. The heart is divided lengthwise into two parts by a muscular wall. Each half is divided into upper and lower chambers by valves. The valves allow the flow of blood in one direction only.
The upper two chambers are called the auricles, while the lower two chambers are called the ventricles. The function of the heart is to pump blood throughout the body. ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कि हम लोग के बॉडी के हर एक पार्ट में कुछ कुछ सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो, जैसे ब्लड चला जाए बॉडी के हर एक पार्ट में, ऑक्सीजन जाए, हा? वो सब के लिए कौन सिस्टम काम करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है. एक तो ब्लड जाए बॉडी के सब तरफ पार्ट में, प्योर ब्लड जाए और इम्प्योर ब्लड वापस हार्ट के पास आए, ऐसा भी बॉडी के हर एक ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड हार्ट के पास आए. इसी तरह ऑक्सीजन बॉडी के हर एक सेल्स में जाए और कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारे हार्ट के पास जाके लंग्स के पास आए और हमारे नोस्ट्रिल्स से नोज से निकल जाए. ठीक है, तो इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम, जाएगा भी और आएगा भी बॉडी के हर एक पार्ट से. अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन है? हार्ट है हमारा, हृदय है, ब्लड है, रक्त है और ब्लड वेसल्स है, रक्त की धमनियां है. ठीक है, हार्ट क्या है? हॉलो कोन शेप्ड मसल है. कोन समझते हैं ना, आइसक्रीम कोन होता है ना, जैसे ये उल्टा वी टाइप का, उल्टा वी ऊपर जो सर्कुलर होगा, तो उल्टा वी नहीं सिंपल वी होगा और ऊपर सर्कुलर होगा, वो कोन कहलाता है. तो हार्ट हॉलो है, मतलब अंदर से खोखला है, कोन शेप का है, पूरी तरह से कोन नहीं है, नीचे से थोड़ा गोल टाइप का है, फिर भी कोन शेप का है. वो एक तरह का मसल है, हाँ मसल है, मांसपेशियां है, जो कि कहाँ है? हम लोग के स्टर्नम और लंग्स के बीच में है. हम लोग का देखिए, हमने पढ़ा ना रिब केज जो है, रिब केज हमारे फ्रंट ऑफ द बॉडी में एक लॉन्ग बोन है, स्टर्नम है, उससे जुड़ा रहता है. तो हमारे स्टर्नम और स्टर्नम के दोनों तरफ क्या है? लंग्स है. तो स्टर्न हमारे बॉडी ऊपर चेस्ट के जो लेफ्ट साइड है उसमें स्टर्नम और लंग्स दोनों के बीच में जो है, बीच वाले जगह पे हार्ट है लेफ्ट साइड में. यानी हमारे चेस्ट का जो मिडिल है उससे अगर हम हमारे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वहां पे हार्ट लोकेटेड है. और कितना बड़ा है? साइज ऑफ आवर फिस्ट, हमारी मुट्ठी के जितना बड़ा है. हार्ट को मिडिल से दो डिवीजन है, ठीक है, बीच में एक मस्कुलर वॉल है, मसल्स का एक मोटा सा वॉल है, उससे हार्ट डिवाइडेड है दो पार्ट में. फिर दो पार्ट में तो डिवाइडेड है, अब एक पार्ट को ऊपर नीचे भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दूसरे पार्ट को भी ऊपर नीचे दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब टोटल कितने हुए? चार पार्ट हो गए हमारे हार्ट के. और वो जो ऊपर और नीचे का पार्ट है उसके बीच में एक कहेंगे एक तरह का लिड है, जिसको कि वाल्व बोलते हैं, जो उसको ऊपर और नीचे में पार्टीशन करके बंद करता है, वो है वाल्व. वाल्व क्यों है? वाल्व होना बहुत जरूरी है ताकि ब्लड हमारा एक ही डायरेक्शन में जाए, एक तरफ से इम्प्योर ब्लड जाए दूसरे तरफ से प्योर ब्लड, एक तरफ से प्योर ब्लड जाए बॉडी में दूसरे तरफ से इम्प्योर ब्लड आए. ठीक है, तो इसीलिए बीच में जो है वाल्व ढक्कन जैसा बना हुआ है, नहीं तो हम लोग का इम्प्योर और प्योर ब्लड मिक्स हो जाएगा. तो जो चार पार्ट है, चार पार्ट के ऊपर नीचे के पार्ट के मिडिल में क्या है? वाल्व है. ऊपर का दो चैम्बर जो है, चार पार्ट है, ऊपर दो पार्ट नीचे दो पार्ट, तो ऊपर का जो दो पार्ट है उसको ऑरिकल कहते हैं और नीचे का दो चैम्बर जो है उसको वेंट्रिकल कहते हैं. अब हार्ट का काम क्या है? फंक्शन है हार्ट का कि ब्लड हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाना. कैसा ब्लड? ऑक्सीजन रिच ब्लड, इसीलिए उसको प्योर ब्लड बोलते हैं. और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है वापस हमारे सेल्स से हार्ट के पास, उसको इम्प्योर ब्लड बोलते हैं. ठीक है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स. अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लड के बारे में. ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड विच फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स. इट कंसिस्ट ऑफ ए लिक्विड पार्ट एंड अ नंबर ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच आर प्रेजेंट इन द लिक्विड. द रेड ब्लड सेल्स और द रेड ब्लड कॉर्पसल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. दे ऑल्सो हेल्प टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. द व्हाइट ब्लड सेल्स और द व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन. There are another type of blood cells that help in clotting of blood. These cells are called platelets. The liquid portion of the blood dissolves nutrients and other substances that are required by the other parts of the body and transports them to those parts. Similarly, it carries away the waste material from different parts of the body. Blood clot. A blood clot is a thickened mass of blood formed by platelets. Clots form to stop bleeding in case of an injury. Blood मतलब रक्त. ठीक है, ब्लड किस कलर का है सबको पता है, रेड कलर का है. और क्या है? रेड कलर का फ्लूइड है,
फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ, लिक्विड जैसा चीज है, ठीक है। जैसे वाटर एक लिक्विड है, वाटर है ना लिक्विड, जूस एक लिक्विड है, उसी तरह ब्लड भी एक लिक्विड है। वो कहाँ बहता है, वो जो लिक्विड है वो कहाँ बह रहा है, हमारे ब्लड वेसल्स के भी अंदर बह रहा है, मतलब हमारे जो ब्लड के पाइप है हमारे बॉडी में उसके भीतर बह रहा है वो। अब क्या है, उस ब्लड में एक लिक्विड पार्ट है और उसमें बहुत सारा सेल्स भी है अलग अलग तरीके का हमारे उस लिक्विड में प्रेजेंट है, ठीक है। मान लीजिए आप एक कटोरे में पानी ले रहे हैं और पानी के ऊपर आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्ते गिराए हैं और छोटे छोटे सफेद रंग के पत्थर गिराए हैं, पत्थर तो नीचे सेटल हो जा रहा है, पत्ते थोड़े थोड़े ऊपर रह रहे हैं, ऐसा करके आप अलग अलग शेप का अलग अलग कलर का चीज सब उसमें सॉलिड सॉलिड चीज गिरा रहे हैं और वो पूरा उसमें फैल के रखा है, तो उसी टाइप का एक लिक्विड मीडियम में सॉलिड चीज सब है। उसी तरह हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड में क्या है, एक लिक्विड पार्ट है, तरल पदार्थ है और उसमें बहुत सारे सेल्स है अलग अलग तरीके के। उसमें पहला क्या है, रेड ब्लड सेल है, जिसको कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं, आरबीसीज कहते हैं। वो क्या करता है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स से दूसरे पार्ट ऑफ आवर बॉडी में पहुंचाता है ना। लंग्स और नाक की मदद से हम सांस लेते हैं, सांस लेके ऑक्सीजन रिच एयर हमारे लंग्स में आता है और लंग्स के थ्रू फिर वो चला जाता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से होके हमारे नॉस्ट्रिल से होके बाहर निकल जाता है, तो उसको हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का काम कौन करता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स करता है। यानी अगर आरबीसी हमारे ब्लड में कम हो जाएंगे तो हमारे बॉडी का सेल्स को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलेगा और हमारा बॉडी का सेल्स काम ही नहीं करेगा अच्छे से, हमें थका थका लगेगा। उसी तरह और एक तरह का सेल्स क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, WBCs कहते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। वो क्या करता है, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। हम जब भी हमारी कुछ बीमारी होती है ये व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, सैनिक के जैसा खड़ा हो जाता है और उस बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करता है। किसी तरह का इन्फेक्शन आ रहा है, कुछ कीटाणु कुछ जर्म्स के कारण हमारे बॉडी में कुछ इन्फेक्शन आ रहा है, तो उस इन्फेक्शन से वो फाइट करता है। उसी इन्फेक्शन से फाइट करते समय हम लोग को हल्का हल्का फीवर आता है ना। और एक तरह का ब्लड सेल है हमारे उसी लिक्विड में, और एक तरह का ब्लड सेल है जो कि ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, उनको कहते हैं प्लेटलेट्स। मान लीजिए आप गिर पड़े, आपको चोट लगी, ब्लड निकलना शुरू हुआ हल्का हल्की सी चोट में, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, ब्लड रुक जाता है, वहां जम जाता है, सूख सूख सा जाता है, फिर और ब्लड नहीं निकलता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स है जो उसको एक जगह जमा देता है, क्लॉट करा देता है। अगर हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हुआ और कंटिन्यूस ब्लड निकलता रहा तो उससे डेथ भी हो सकता है, ब्लड अगर बहुत ज्यादा बॉडी से निकल जाए। इसका मतलब ब्लड को क्लॉट होना भी जरूरी है, और वो कैसे होगा, अगर ब्लड में हमारे प्लेटलेट्स वाले जो सेल है वो ठीक ठाक अमाउंट में होंगे तो आसानी से क्लॉट होगा। तो जो लिक्विड पोर्शन है हमारे ब्लड का वो क्या काम करता है, लिक्विड पोर्शन में जितने भी पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है जो हम लोग को खाने के थ्रू मिल रहा है, वो उसमें डिजोल्व हो जाता है, उसमें घुल मिल जाता है। और दूसरा सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी को जरूरत है, वो सब भी उस लिक्विड पार्ट में घुल मिल जाता है, पोषक तत्व भी और दूसरा सब्सटेंसेस भी, और ब्लड के मदद से हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे पहुंच जाता है, हर एक सेल में हर एक टिश्यू में पहुंच जाता है। उसी तरह हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को भी निकालने में ये ब्लड के ही थ्रू इधर उधर जाता है, ठीक है। तो ब्लड कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। आगे पढ़ते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स। ब्लड फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्स कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड आर्टरीज। द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन डेफिसिट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट आर कॉल्ड veins. When arteries reach an organ, they branch into very fine tubes called capillaries. The capillaries help to carry blood to every cell of the body in order to supply it with oxygen and nutrients. When the blood leaves an organ, capillaries join together to form larger and larger vessels and ultimately form the veins. अब क्या बोल रहा है, ब्लड वेसल्स के बारे में बोल रहा है। ब्लड वेसल्स क्या है, हमारे ब्लड के जो पाइप्स है हमारे बॉडी में। हाँ, पाइप मतलब क्या, आप पाइप जैसे मोटा मोटा मत समझिए, बहुत पतली पतली पाइप्स होती हैं ब्लड वेसल्स में।
हमारी बॉडी में, पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्स, पतले पतले ट्यूब्स जैसे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इधर से उधर क्रिस क्रॉस होके, हाँ उनका पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है, मैंने सब जुड़ के एक सिस्टम बना के रखे हुए हैं, उनको कहते हैं ब्लड वेसल्स कहते हैं। फाइन ट्यूब्स जो है उसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। तीन तरह का ब्लड ट्यूब्स है, तीन ब्लड वेसल्स है हमारे बॉडी में। पतली पतली रक्त की नलिकाएं कितनी है हमारे बॉडी में, तीन तरीके की है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। जो ट्यूब्स जो है, जो ब्लड वेसल पूरा ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड, हमारे हार्ट से निकल रहा ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड हार्ट पंप करके भेज रहा है, उसको हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाएगा, उसको आर्टरीज कहेंगे। मान लो हमारे हाथ के पास पहुंच गया वो आर्टरीज के मदद से, पर अब हाथ के भी तो हर एक सेल में चाहिए ना, तो आर्टरीज जब हाथ के पास पहुंचा वहां पे फिर वो अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाता है, छोटे छोटे ट्यूब्स में बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट ब्रांच कर जाता है, जैसे पेड़ के ब्रांचेस और उसमें से दूसरे दूसरे ब्रांचेस निकलते हैं ना, वैसे आर्टरीज के भी दूसरे दूसरे ब्रांचेस निकल जाते हैं जब हमारे ऑर्गन के पास पहुंचता है, और वो पतले पतले दूसरे दूसरे ब्रांचेस क्या होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, और वही कैपिलरीज मदद करता है कि हमारे हाथ के मान लो हर एक सेल में ब्लड को पहुंचाएगा। ठीक है, कैपिलरीज हेल्प टू कैरी ब्लड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर एक सेल में वो पहुंचाता है ब्लड, ताकि हमारे सेल को ऑक्सीजन भी मिले और न्यूट्रिएंट भी मिले। ठीक है, तो एक लंबी सी डाल आ रही है, वहां सेल के पास पहुंच के छोटे 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 अलग अलग डालों में विभाजित हो गई, अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो गई। अब ब्लड वहां पे अच्छे ब्लड पहुंच गया, अब वहां से ब्लड को वापस आना है, वापस आना है कार्बन डाइऑक्साइड से भरे हुए ब्लड को वापस आना है हार्ट के पास और वहां प्योर बनना है। तो जब वहां से कैपिलरीज के पास से ये सेल के पास से जब ब्लड निकलने लगी, अलग अलग शाखाओं से ब्लड आ रही है, सब आके कैपिलरीज, ये अलग अलग शाखाओं कैपिलरीज से आके फिर किसमें अल्टीमेटली आके एक सिंगल पाइप में जुड़ जाएंगी, अलग अलग छोटी छोटी पाइप से आएंगी, कैपिलरीज से आएंगी और एक सिंगल पाइप में जुड़ जाएंगी, बहुत ही लंबी मोटी पाइप में जुड़ जाएंगी, वो क्या कहलाएगा, वो वेन्स कहलाएगा। यानी वेन्स कैसे ब्लड को कैरी करते हैं, ऑक्सीजन डेफिसिट ब्लड को, ऑक्सीजन की कमी वाली ब्लड को वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से हार्ट के पास ले जाते हैं वेन्स। ठीक है, तो यानी समझे, पहले प्योर ब्लड ले जा रहा है आर्टरीज, जाके छोटे छोटे ट्यूब्स में बदल रहा है, इसको कैपिलरीज कहेंगे, और वो हमारे सेल को दे दे रहा है ब्लड, फिर ऑक्सीजन की कमी वाली ब्लड वो सारी कैपिलरीज से निकल के फिर एक लंबी पाइप्स में आ रही है, वो पाइप अब क्या बन गया, वेन्स बन गया, और वेन्स ले जा रहा है हार्ट के पास। तो इस तरह हम लोग का बॉडी में ब्लड की नलिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स है। अब आगे पढ़ते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड अराउंड द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग मैनर। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पम्प्स आउट ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी वेयर द आर्टरीज। द बॉडी टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड एंड यूजेज इट, इन टर्न इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट इन टू द ब्लड। द रिटर्निंग ब्लड एंटर्स द राइट ऑरिकल विच पोर्स इट इन टू द राइट वेंट्रिकल। ब्लड इज पम्प टू द लंग्स बाई द राइट वेंट्रिकल फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनरिचमेंट विद ऑक्सीजन। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड मूव करता है हार्ट से और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाता है उसको कहते हैं सर्कुलेशन। ठीक है, वो किस तरीके से होता है, हम लोग को ये ब्लड का सर्कुलेशन आखिर किस तरीके से, ब्लड का मूवमेंट कैसे हो रहा है। जो हमारे हार्ट को हम लोग पढ़े कि हार्ट के मिडिल में एक मस्कुलर वाल है जो कि उसको लेफ्ट हार्ट राइट हार्ट में डिविजन करता है। तो जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड निकलता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से, और हम लोग पढ़े कि ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन सी ब्लड ट्यूब्स के थ्रू जाता है, आर्टरीज के थ्रू जाता है। आर्टरीज के थ्रू हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है और अलग अलग पार्ट में जाके फिर वहां पे कैपिलरीज की मदद से सेल्स में जाता है, और हमारा बॉडी क्या करता है, वो ऑक्सीजन उस ब्लड से ले लेता है, ब्लड हमारे सेल्स को ऑक्सीजन दे देता है, बॉडी हमारा यूज करता है और बदले में क्या करता है, सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड सब वो रिलीज कर देता है, और रिलीज करके कहाँ छोड़ेगा, उसको वापस उस ब्लड में छोड़ देता है। अब वो ब्लड वापस आता है किसकी मदद से आता है, वेन्स के मदद से आता है। ठीक है, अब जब वापस रिटर्न कर रहा है वो ब्लड हार्ट के पास, अब वो
लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ नहीं जा रहा है, अब वो राइट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ जा रहा है, और वो भी अपर पार्ट में, ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में जा रहा है। वो राइट ऑरिकल में एंटर कर रहा है इम्प्योर ब्लड, और राइट और इम्प्योर ब्लड मतलब क्या, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल में जा रहा है, और वहां से फिर वो नीचे, उसी के नीचे वाले चैम्बर में राइट वेंट्रिकल में गिर रहा है। ठीक है, अब जो है राइट वेंट्रिकल जो है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स की तरफ भेजा जा रहा है। ठीक है, हार्ट उसको पंप कर रहा है, हार्ट एक मोटर के जैसा काम कर रहा है, राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स की तरफ भेज रहा है। ठीक है, और जब वो लंग्स के पास जा रहा है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रहा है, लंग्स उसको हटा के हमारे नाक की मदद से बाहर निकाल दे रहा है, और हमारे नाक की मदद से ऑक्सीजन लेके उसको दे दे रहा है उस ब्लड को। ठीक है, उसको फिर से प्योर ब्लड बना दे रहा है। फिर वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ चला जाएगा, अब वो फिर से हार्ट में जाएगा, पर किस तरफ से, अब लेफ्ट तरफ से, लेफ्ट के ऊपर वाले चैम्बर से, लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। ठीक है, और फिर वहां से फिर ब्लड हार्ट उसको पंप करेगा और वो हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट में जाएगा। इस तरह प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हार्ट साउंड्स। द हार्ट रिलैक्सेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल पंपिंग ब्लड। दिस रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। वी कैन फील आवर हार्ट बीट बाय प्लेसिंग आवर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट। द हार्ट बीट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बींग एट रेस्ट इज बिटवीन 65 to 75 पर मिनट। It increases when a person is doing some physical activity. We can listen to our heartbeats clearly with the help of an instrument called stethoscope. देखिए, normally हम लोग अपना heartbeat सुनाई नहीं देता है, हम लोग उसको feel कर पाते हैं। कब? जब हम लोग बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो हमारा heart बहुत जल्दी जल्दी heart blood pump करता है, तब हम लोग अगर अपना हाथ हमारे chest के ऊपर रखेंगे, heart के ऊपर रखेंगे, तब हम लोग को feel होता है, सुनाई feel होता है कि heart beat कर रहा है। तो जब नॉर्मल पोजीशन में ह्यूमन बींग रहेगा, जब बहुत तेजी से दौड़ नहीं रहता, तब हार्ट बीट कैसे पता चलेगा? डॉक्टर्स जो एक कान में लगाते हैं और हमारे चेस्ट के ऊपर रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को स्टेथोस्कोप कहते हैं। हाँ, स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप की मदद से पता चलता है कि हमारा हार्ट बीट हो रहा है। हार्ट बीट क्या होता है? हार्ट पंप के जैसा काम करता है। एक बार अपने आप को रिलैक्स करेगा, फिर अपने आप को टाइटली बंद करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, फिर टाइट करके अपने आप को बंद करेगा। इस तरह से वो ब्लड को पंप करता रहता है। हाँ, मोटर के जैसा ब्लड को पंप करके हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में भेजता रहता है। तो ये जो हार्ट एक बार ढीला पड़ जाता है, रिलैक्स जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसी को हार्ट बीट हम बोलते हैं। दिस रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। हम लोग अगर अपने लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट के ऊपर अपना हाथ रखेंगे तो हम लोग को हार्ट बीट फील होता है हमारे बॉडी का। ठीक है, अगर हम लोग रेस्ट में है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करे, दौड़ धूप कुछ नहीं करे, आराम से बैठे हुए हैं, तो एक एडल्ट ह्यूमन बींग, हाँ, एक बड़ा ह्यूमन बींग जो है, जो पूरा ग्रो हो गया, मैच्योर्ड हो गया, ऐसे ह्यूमन बींग का जो हार्ट बीट है, एक मिनट में 65 to 75 टाइम्स उसका हार्ट का बीट करता है, मतलब उसका हार्ट पंप कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से 65 से 75 टाइम्स उसका हार्ट बीट करता रहता है। पर जब वही आदमी कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेगा, दौड़ेगा या मिट्टी को उड़ रहा है, कुछ बहुत ही मेहनत वाला काम जब कर रहा है बॉडी के थ्रू, तब वो उस समय हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ जाता है। जब ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं तब हार्ट बीट 85 पहुंच जाता है, 80-85 पहुंच जाता है। और हम लोग कैसे हार्ट बीट जान सकते हैं? स्टेथोस्कोप की मदद से। ये चैप्टर यहाँ पे कम्प्लीट हो गया है। बहुत अच्छे से मैंने धीरे धीरे पूरी तरह से वीडियो को, आपको इस लेसन को वीडियो के थ्रू समझा दिया है। आप लोग ये वीडियो अच्छे से सुनिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, सब लोग इसको बेनिफिट उठाइए। ये हम लोग का लेसन 4 क्लास 5 का कंप्लीट हो गया है, आवर बॉडी। थैंक यू।